वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि जानते हैं कि बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है और 22 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना कम समय में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं तो बको ध्यानम आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से अभी आपको पढ़ना है अगर अचीवमेंट हासिल करना है, वरना आपने तो 6 महीने तो खूब मस्ती की है लॉकडाउन में, तो उस लॉकडाउन को त्याग कर आप मस्ती छोड़ दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, अरे सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और हाँ पुराने लोगों के लिए भी कुछ काम है तो आप हमें लाइक कर दीजिए और जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका आंसर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पीछे पूछा था आपसे 5 क्वेश्चन, 5ों क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो में जवाब दूंगी। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र की है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है, तो पश्चिम बंगाल की है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज थे वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे, राजनीति थे, तो कौन थे, संगीतज्ञ थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो चैतन्य थे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं, तो कौन से होंगे, तो राजा राम मोहन राय हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो बनारस में हुआ, हैदराबाद में हुआ, मथुरा में हुआ, दिल्ली में हुआ, कहाँ हुआ, तो बनारस में हुआ। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ, क्षत्रिय, शाक, लिच्छवी और सातवाहन, किस में हुआ है, तो क्षत्रिय में हुआ है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य, क्षत्रिका, कुरु और मौर्य, किससे थे, शाक्य से थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का पूर्व नाम क्या था, वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त, तो वर्धमान था। तो चलिए हम और क्वेश्चन आपको मैं करवा। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे, मैत्रेय, तुकराम, त्यागराज और व्यास, तो तुकराम थे। दक्षिण भारत के अलवर कौन थे, तो संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार, तो संत थे अलवर। सिखों के गुरु सिख किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह गुरु और अर्जुन देव, तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। जो अभी हाल में 50 प्रकाश वर्ष भी मनाया गया और हर साल मनाया जाता है, कोई ना कोई उन लोगों का प्रकाश वर्ष ही रहता है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। खालसा की स्थापना किसने की, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं, किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की। राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बाबड़ा, तो तानसेन। आपको करेंट अफेयर का आई होप कि आपको PDF मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कथक कहाँ के नृत्य है, उत्तर भारत की, मणिपुर की, उड़ीसा की, केरल की, तो उत्तरी भारत की है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, किस नृत्य शैली से है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और ओडिसी, किससे है, तो कथकली से है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उड़ीसी, मणिपुरी, गरबा, कथक, तो गरबा शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथकली, तो कथक का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा, तो कुचिपुड़ी है, देव नृत्य कहा जाता है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो किसका है, तो मणिपुरी का है। अच्छन महाराज का क्षेत्र कौन सा है, तो अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है, तो मणिपुरी नृत्य के लिए बिंबावती बहुत ही विख्यात है। रंगोली भारतीय किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र की है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे, तो तमिलनाडु से। बस्तर में डांडरी नृत्य त्यौहार आयोजित होता है कहाँ पे, तो होली में होता है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है, गीदर है, थीर है, घूमर है, इनमें से कोई नहीं, तो गीदर है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, भांगड़ा, मेघालय का बम्बू नृत्य, कथकली, इनमें से कोई नहीं, तो मेघालय का बम्बू नृत्य है। इकेबाना किसकी जापानी रूप है, युद्ध कला की, फूलों की सजावट का, आधुनिक चित्रकारी, नन ऑफ दिस, तो फूलों की सजावट का है इकेबाना। कर्नाटक की लोक रंगभूमि
है यक्षगान, भवाई, भगवत मेला इनमें से कोई नहीं, तो यक्षगान है। यक्षगान जबियों का कर्नाटक से ही संबंधित होता है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किसका है, तो ब्रजभूमि का है। तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक नृत्य किससे संबंधित है, यूपी से है, एमपी से है, तमिलनाडु से है या महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र से है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान की संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन है, तो ख्याल है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। भारतीय संगीत कहाँ से लिया है, शास्त्रीय संगीत, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तो सामवेद से लिया गया है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो, उमर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। राग देश किस पहर गाया जाता है, प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में, तो रात्रि के द्वितीय पहर में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है, तो टोड़ी है, दरबारी है, भोपाली है और भीमा पासाली है, तो दरबारी गाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई है, यजुर्वेद से है, सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, तो सामवेद से की गई है। पंडित भीमसेन जोशी क्रियाकलाप क्षेत्र क्या होता है, तो शास्त्रीय संगीत होता है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली किसकी है, तो ध्रुपद की है। सुविख्यात ढूमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो बनारस घराना से है। उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा बंधु क्या है, तो ध्रुपद गायक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है, तो संतूर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है, बांसुरी है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। चलिए मैं आपसे एक पूछ लेती हूँ, कौन से विख्यात बांसुरी वादक है, तो कौन सा है, पंडित हरिशंकर रविशंकर है, हरिप्रसाद चौरसिया है, जाकिर हुसैन है, शिव कुमार शर्मा है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है बस, 80 मार्क्स एक नंबर का, तो आप करोगे और इसका अगले वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए आपका दिन मंगलमय है। और हाँ, इंग्लिश की क्लास आपको 1 बजे मिल जाएगी और हिंदी की क्लास भी आपको ठीक उसके आधे घंटे यानी कि 1:30 या 2 बजे तक अपलोड हो जाएगी, और करंट अफेयर का पार्ट 3 आपको लगभग शाम में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, और कोई अगर आप चाहते हैं जानकारी हमसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, educational.rk. आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाओगे और मुझे फॉलो करोगे, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो। तो चलिए, हम आपसे अब विदा ले रहे हैं, आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।